पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक अटल डिबेटिंग क्लब के शुभारंभ अवसर पर जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका अल्पना गुप्ता, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजू कालरा, डायरेक्टर आरएसडी डॉक्टर विनोद कुमार, मदालसा शर्मा, भाजयुमो अध्यक्ष अभिषेक चौबे, महामंत्री श्याम बिहारी शर्मा, महामंत्री दिनेश शीर्षवाल रहे। संचालन भाजयुमो उपाध्यक्ष दीक्षांत चौधरी द्वारा किया गया। निर्णायक मंडल ने 3 प्रतिभागियों वैष्णवी, आकांक्षा जैन और तैयब को क्रम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान दिया, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे, अटल डिबेटिंग क्लब का हिस्सा बनेंगे। इस अवसर पर प्रतियोगिता में महानगर मीडिया प्रभारी अर्चित गुप्ता, महानगर मंत्री सिद्धांत भारती, मंडल अध्यक्ष शिवांश, कार्तिकेय दिवाकर, समर्थ शुक्ला, हर्षित रस्तोगी, आमद आला, निदा आफरीन, कुणाल शुभम, वाजिद आदि ने भी प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में अभिषेक ठाकुर, सुवंश अग्रवाल, हितेश सैनी, उज्ज्वल महेश सैनी आदि समस्त भाजयुमो महानगर कार्यकारिणी सहित मंडल अध्यक्ष गण भी उपस्थित रहे। आरएसडी एकेडमी में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 दिसंबर जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जयंती होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के 2 मुख्य बिंदु हैं, हमारी पंच निष्ठाएँ और 6 मुख्य पर्व हैं। उसी के निमित्त ये भाषण प्रतियोगिता का आयोजन पूरे देश में किया गया है और उत्तर प्रदेश में 25, 26, 27 3 दिन ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। पश्चिम क्षेत्र के नाते मुरादाबाद ज़िले में ये कार्यक्रम आज 27 तारीख को यहाँ मुरादाबाद आरएसजी एकेडमी में आयोजित किया जा रहा है। क्या उद्देश्य है इसका युवा के लिए? देखिए, ये भाषण प्रतियोगिता है और अटल जी का जैसे एक जीवन का उनको हम समराइज करें या उनके जीवन को देखें तो एक बहुत ही कुशल वक्ता के रूप में लोग उन्हें पसंद करते थे, कवि भी थे और उनके भाषणों के, उनके वक्तव्यों के जो विरोधी हैं, विपक्षी दल हैं, वो भी कायल रहते थे। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए, उसी से एक इंस्पिरेशन लेते हुए हमने ये अटल भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें हम युवाओं को मौका दे रहे हैं कि सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर अपना विचार रख सकें। इन युवाओं के बीच में से जो विजेता यहाँ से 3 चुन के जाएंगे, उनको पहले क्षेत्रीय स्तर पे एक प्रतियोगिता में भाग लिया जाएगा। 3 चरण की प्रतियोगिता है, इसके बाद क्षेत्रीय स्तर पे एक प्रतियोगिता होगी जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी 19 जिलों से 3-3 प्रतिभागी, विजेता प्रतिभागी वहाँ आएंगे। उसके बाद यहाँ से जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से 3 टॉप 3 कैंडिडेट होंगे, वो पूरे उत्तर प्रदेश में एक प्रतियोगिता होगी, उसमें प्रतिभाग करेंगे और वहाँ से जो प्रतिभागी विजयी होंगे उनके लिए हमारे पास अटल डिबेटिंग क्लब की मेंबरशिप है इनाम के रूप में। हमारी भारत की एक सुशासन यात्रा पूरे उत्तर भाजयुमो की सुशासन यात्रा पूरे भारत में जा रही है, उसमें उनको प्राथमिकता मिलेगी ट्रैवल करने की और जो भी हमारे सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें उन्हें बोलने का, अपना वाक् कौशल दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।